अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम हाज़िर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये सोलर सर्च लाइट है, इसके मतलब आपको बताऊंगा। ये मेरे पास ख़राब आई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं खोल के आपको चेक कराता हूँ कि इसमें लगा क्या क्या। ये इसका ऊपर वाला कैप है, ये सोलर पेड लगी है इसके अंदर, और इसके अलावा ये बैटरी है, और ये एलईडी लाइट लगी है। ये इसका 220 वोल्ट करंट के साथ भी इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ये इसका सर्किट है 220 वोल्ट के साथ चार्ज करने के लिए। इसके अलावा ये ब्रिज बनाई है जो 220 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको चेक करेंगे कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। दोस्तों, ये बिल्कुल अब ऑन नहीं हो रही, तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। ये मल्टीमीटर, इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले बैटरी चेक करते हैं कि बैटरी इसकी ठीक है कि नहीं। तो सर दोस्तों, इसकी बैटरी बिल्कुल ठीक है, ये करंट दे रही है। इस वक्त 4.3 वोल्ट है इसमें, तो बेसिकली ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब ये अभी ठीक हालत में है। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि ये लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही। इसको ऑन पोजीशन पे चेक करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, लाइट पे करंट तो आ रहा है, मगर ये लाइट ऑन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये लाइट ख़राब हो गई। अब हम मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमें काविया की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने जल्दी वीडियो ख़त्म करने के लिए ये काविया पहले ऑन कर लिया था कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। दोस्तों, ये एलईडी लाइट ये मैंने चेक की, ये खराब हो गई है। इसकी जगह हम नहीं लगाएंगे ये नई एलईडी लाइट। तो दोस्तों, इसको किसी ने अल्फी के साथ जोड़ दिया, तो इसने इसको अल्फी के साथ जोड़ दिया, इसलिए ज़रा थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो मैं आपको चेक करवाऊंगा, ये इसको उतार रहा हूँ।
दोस्तों इसको किसी ने अल्फी के साथ चिपका दिया इसके साथ। ये देखें ये उतर गई है इसके ऊपर से, अब नहीं लगाएंगे हम। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, तो इसको ज़रा एहतियात से लगाना कि पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगाना। ठीक हो गया दोस्तों, ये नई एलईडी तैयार हो गई। अब इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेक करना है कि कोई, अगर हम नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे और पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव लगा देंगे तो ये ऑन नहीं होगी। ये देखें ये ऑन होगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको हम अगर इस तरह लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगी। मैं आपको ये लगा के चेक करा रहा हूँ, ये पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव लगा रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं दोबारा, ये पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ऑन हो गई है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ दोबारा। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है इसको रिपेयर करना। अगर इसका चार्जिंग टाइम कम हो जाए तो ये बैटरी है इसकी, बैटरी इसकी चेंज कर लेनी है। ये बाज़ार से हर चीज़ आसानी के साथ मिल जाती है, कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि जो बाज़ार से ना मिल रही हो। अभी मैं आपको दोबारा बंद करके इसको चेक करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों अच्छी तरह इसको फिटिंग करनी है कि कोई तार इसकी बाहर ना रह जाए और ये तार इसकी डैमेज ना हो जाए। ठीक है दोस्तों ये बंद होगी, अब मैं इसको आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, अभी बैटरी इसकी ज़रा डाउन है, थोड़ी देर चार्ज करा के इसकी लाइट और तेज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।